रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी तो जनाब, ये है आज दोपहर का टाइम और अभी मैं अपने लिए लंच जो है वो प्रेप कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सुला के तो मैं नमाज़ पढ़ के, जोहर की नमाज़ पढ़ के अभी मैं फ्री हुई थी, तो मैंने कहा सोचा चलो मैं अपना जो है लंच आराम से सुकून से कर लूँ। तो आज मेरे पास थे राइस यहाँ पे और इनके साथ मैं राइस गर्म करूँगी और इनके साथ यहाँ पे ना और इनके साथ ही राइस के साथ मुझे चार दोपहर में वैसे भी अच्छा लगता है खाना भी गर्म और वैसे भी गर्मियों के दोपहर में। और थोड़ा सा जो है वो मैं अनियन कट करूँगी ऊपर स्प्रिंकल करके, मुझे अनियन भी खाना राइस के साथ अच्छा लगता है। और ये चना पुलाव था जो कि मैंने कल बनाया था, कल थी 10वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम का इनकी नियाज दी थी, तो इस वजह से मैंने जो है ये चना पुलाव बनाया था और वो कुछ बच गया था, तो वो मैंने अभी सोचा कि मैं अभी जो है ये गर्म करके खा लेती हूँ। और इसके ऊपर बस थोड़ा सा अचार डालूँगी और थोड़ा सा अनियन स्प्रिंकल करूँगी और इसके साथ मैंने एक शामी ले ली है। और बस ये है जी मेरा दोपहर का लंच और बस यही मैं खा के, तो फिर अभी बच्चे सोए हुए हैं तो और भी छोटे मोटे काम जो है करने वाले वो सारे जो है वो कर लूँगी। चुके हैं और इनके सोने का जो है मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया, जो छोटे मोटे काम जो मेरे बचे हुए थे वो सारे मैंने कर लिए हैं। और अभी यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा है और इवनिंग में मैंने इनको स्नैक्स में आलू के चिप्स बना के दिए हैं जो कि बच्चे अभी इंजॉय कर रहे हैं विद केचप। और ये है जी यहाँ पे नेक्स्ट डे का व्लॉग फ्राइडे का। जो लोग दुबई में रहते हैं वो लोग जानते हैं यहाँ पे फ्राइडे ऑफ होता है और वैसे भी जो मोस्टली जो मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनमें फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है, तो फ्राइडे वाले दिन वैसे तो यहाँ पे दुबई का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन अभी शाम में आमिर ने बाइक लेकर आए थे तो थोड़ा सा मौसम कुछ बेहतर हुआ था, कुछ बाहर निकलने के काबिल हो गया था। और अगस्त है तो अगस्त में तो वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से हम लोग बहुत कम बच्चों को बाहर लेकर निकलते हैं और जाना भी हो तो सिर्फ ओनली मॉल्स वगैरह में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी पार्क वगैरह में तो जाने का कोई हाल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की हुई थी कि हमें पार्क में जाना है। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये दुबई का अलवीर पार्क है जो कि हमारे घर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ओनली 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव पे है। और यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दे रही हूँ पार्क का। माशाल्लाह पार्क जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, और जो इसकी नीटनेस है लाजवाब है भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पार्क पसंद है, बच्चों के खेलने के हवाले से ले लें और बच्चों के स्विंग्स के हवाले से ले लें, स्विंग्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, यानी कि बच्चों के कोई हर्ट होने का कोई डर ख़तरा वगैरह नहीं है। और यहाँ पे ना इन लोगों ने यहाँ पे वाटर का भी सिस्टम है, फाउंटेन्स भी हैं वाटर के अंदर और मछलियाँ भी हैं। सबसे बड़ी बात जो है अक्सर हम लोग यहाँ पे ना मछलियों को कीमा वगैरह ला के डालते हैं, कभी ब्रेड्स वगैरह हो जाए या रोटी वगैरह हो जाए वो भी हम लोग यहाँ पे ना मछलियों को ला के डालते हैं। और ये सामने यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं वो सामने मेरे बेटे को स्विंग्स दे रहे हैं वहाँ पे सामने, यहाँ पे मैंने सोचा कि चलें मैं आज बच्चों को पार्क में ले ही आई हूँ तो चलें इस अलवीर पार्क का जो है थोड़ा सा व्यू आप लोगों को भी दिखा देती हूँ साथ साथ। और यहाँ पे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और जब बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए तो खेल खेल के और स्विंग्स लेकर, तो अब वैसे भी मगरिब का टाइम होने वाला था और मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो बस बहुत हो गया बच्चों के लिए, अब घर चलते हैं। और ये हमने पार्क से ही कुछ फ्रेश डेट्स तोड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा यमी थी, तो मैंने सोचा कि इसका भी थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँ। डेट्स तोड़ के खाने का तो अपना ही मज़ा है। मेरा छोटा सा रिव्यू जो मैंने आपको पार्क के मतलब दिया, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।